हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्लीव डिजाइन बनाने के लिए हमने ये बुकरम ले लिया है। 7.5 इंच चौड़ी है और 7.5 इंच ही लंबी है। इसको हमने डबल फोल्ड में किया है। डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 6.5 इंच पे मार्क करके सीधा लाइन अप कर देंगे तिरछा करके, और 1-1 इंच की दूरी पे हम मार्किंग करेंगे बाहर की तरफ। इसे भी हम सीधा लाइन अप कर देंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर देंगे। पहले एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे, फिर अंदर जो मार्किंग की है उसे कट करेंगे। तो कुछ वी शेप की तरह हमने बना लिया है ये डिजाइन। इसे अब हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये कपड़े पे पेस्ट कर लिया है, और अब मैं एक अंदर की तरफ कपड़े को दबा करके सीधी सिलाई चलाऊंगी। सिलाई को मोटी करके चलाना है ताकि बाद में उधड़ जाए आसानी से। तो ये मैंने सिलाई चला करके कंप्लीट कर लिया है। नीचे से भी मैं थोड़ा सा फोल्ड करके इसे भी सिलाई चला लूंगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा, और इसके मैं इस तरह से उंगली से फोल्ड करते हुए डिजाइन बना करके रखूंगी 14 से 15। तो ये मैंने 14 से 15 डिजाइन बना लिए हैं। कुछ पहले बना लिए थे तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। तो ये मेरे बनकर कंप्लीट हो गए। और जो मैंने ये कप बुकरम का बनाया था उस पर मैं 1-1 इंच पे मार्क करूंगी। ये मैंने 1-1 इंच पे मार्क कर लिया है। अब ये जो डिजाइन बनाए हैं अब मैं इन्हें इसमें अटैच करूंगी जो मैंने मार्क किए हैं उनके ऊपर। तो ये मैं दूसरी साइड भी मार्क करे दे रही हूँ जिससे हमें पता रहे कि हमें कहाँ लगाना है, क्योंकि नीचे की साइड का तो हमें दिखेगा नहीं। तो ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब हमें डिजाइन अटैच करेंगे सिलाई चला करके किनारे किनारे। तो जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हम डिजाइन लगाते हुए अटैच करते हुए सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरे डिजाइन या मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और कहाँ से देख रहे हैं आप मेरी वीडियो, ताकि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। तो ये मैं दूसरी तरफ भी डिजाइन लगा करके कंप्लीट कर लूंगी। ये स्लीव डिजाइन बहुत ही प्यारी और यूनिक लगती है, और बनने में बिल्कुल एकदम आसान है। जरा सी देर में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसी स्लीव या नेक डिजाइन बनाने के लिए जो सूट का कपड़ा है उससे आधा मीटर कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, नहीं तो डिजाइन हमारा बन नहीं पाता। इसके लिए आधा मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये हमने डिजाइन लगा करके तरफ तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे अलग रख देंगे। और ये हमने दूसरा कपड़ा लिया है, 6 इंच चौड़ा है और लंबा है 15 इंच। तो इसे हम डबल फोल्ड करके एक सीधी सिलाई चला लेंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई चला ली है। अब हम इसे पेचकस की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। बाद में इस पे प्रेस करके इसे सही से बिठा लेंगे। और फिर हम दूसरा कपड़ा लिया है, 6 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा। तो
तो इसमें भी हमें सिलाई चला लेनी है सीधी, इसे भी हम सिलाई चला करके सीधा कर लेंगे। ये हमने सिलाई चला ली है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो हमने ये दोनों सीधे करके प्रेस कर लिए हैं इन पे, तो इन्हें बीच से ऐसे चुन्नट भरते हुए हम इन्हें अच्छे से बांध लेंगे या स्टिच कर लेंगे। आपका जो मन हो वो कर ले, मैं इन्हें अच्छे से बांध रही हूँ, स्टिच नहीं कर रही। इस तरह से दोनों को करेंगे और एक इस तरह का डिजाइन बना लेंगे बीचों बीच से फोल्ड करते हुए। ये डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो चला है। तो अब हमने बाजू ली है, बाजू का कपड़ा, और उसके ऊपर बीच सेंटर से रखते हुए ऐसे सिलाई चलाएंगे बुकरम के किनारे किनारे। ध्यान रहे स्लीव का बीच सेंटर लेना है कि डिजाइन टेढ़ा ना हो। और अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए, और बीच में छोटा सा कट लगाएंगे। सॉरी मैं 1 इंच का बोल रही थी, एक पैर का मार्जिन रखना है, ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, वो मुंह से ऐसे निकल गया था। किनारे किनारे इन्हें सीधा करके सिलाई चला लेंगे और इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देखकर ट्राई जरूर करके बताना आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा। घर पे बनाकर देखना, आप प्रॉपरली देख करके बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने वो डिजाइन बनाए थे वो ले लिए हैं। अब ये जो छोटा वाला डिजाइन है हम इसे अंदर की तरफ जॉइंट करेंगे, सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इसे भी मैं सिलाई चला करके कंप्लीट करूंगी दूसरी तरफ से। ये मैंने सिलाई चला कंप्लीट कर लिया, धागा को कट कर देंगे। अब हमने जो दूसरा डिजाइन लिया है उसे लेंगे, उसे इस तरह से बीच सेंटर से रखते हुए सिलाई चलाएंगे। पहले एक तरफ चलाएंगे फिर दूसरी तरफ चलाएंगे और इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरा डिजाइन बन के हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसके ऊपर मोती लगाऊंगी, तो ये मेरा इस तरह का डिजाइन बना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।